फैशनिस्ट न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। एक तरफा प्यार में पागल मकान मालिक ने ले ली महिला की जान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक के बाद एक दो महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी, तो वही दूसरी ओर पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में कार्रवाई की बात कर रही है। नई दिल्ली फरीदाबाद आगरा के रहने वाली भावना की शादी 2017 में आगरा के ही रहने वाले सौरभ से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद भावना अपने पति के साथ रहने के लिए फरीदाबाद आ गई। यहाँ आने के बाद भावना और उसके पति ने एक किराए के मकान में घर ली। मकान मालिक भावना पर गंदी नजर रखने लगा। मकान मालिक ने भावना के घर आना जाना शुरू किया। भावना ने उसकी हरकतों के बारे में अपने पति को बताया। वह उस मकान को खाली कर दूसरी जगह रहने लग गए, लेकिन मकान मालिक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक तरफा प्यार में पागल मकान मालिक महिला को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या के मामले में थाना सिटी बल्लभगढ़ राजीव कुंडू ने बताया कि हत्या आरोपी ने भाई के फोन पर सूचना दी कि उसके भाई ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पाया कि वाहित के शरीर पर चाकू के निशान है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच के बाद ही शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।